नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 27 सितंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पटना से हटाए जाएंगे 15 वर्ष पुराने वाहन। बिहार की राजधानी पटना वायु प्रदूषण मामले में सबसे बुरी हालत में है। राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण मामले में बदतर रैंकिंग पाने वाले पटना शहर की स्थिति खराब करने में 15 वर्ष पुराने वाहनों का स्थान सबसे ऊपर है। पिछले 3 सालों में पटना में 2.5 गुना से भी ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ा है। 2016 में जहां वायु प्रदूषण का मान 122.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, वहीं 2018 में 118.16 हो गया। आपको बता दें, वायु प्रदूषण के मानक के अनुसार शहर की वायु में धूल कण की औसत वार्षिक मानक 44 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की ही होनी चाहिए। 5 सितंबर को स्कूल में अनुपस्थित रहे शिक्षकों का वेतन कटेगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालयों से गायब रहे शिक्षकों का वेतन काट लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इसकी सूचना दी है। शिक्षा विभाग ने यह साफ किया है कि सभी स्कूलों को समय से पहले ही यह निर्देश दे दिए गए थे कि 5 सितंबर को सभी विद्यालयों में शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर में मौजूद रहना है। ऐसा ना करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में डीएमआरसी और पीएमआरसी के बीच हुए करार। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए बीते शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच करार हो गया है। इस मौके पर पीएमआरसी के सीएमडी चैतन्य प्रसाद और डीएमआरसी के एमडी मंगू सिंह ने करार पर साइन कर पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के शुभारंभ का ठप्पा लगा दिया है। अब डीएमआरसी आधिकारिक तौर पर मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। आपको बता दें, दोनों कॉरिडोर के अलाइनमेंट का ड्रोन सर्वे और पिलर लगाने का काम पूरा हो चुका है। अगले 3 साल में मेट्रो निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। महागठबंधन में बढ़ रही दरार। बिहार महागठबंधन में दरारें बढ़ती जा रही हैं। आगामी उपचुनाव के बीच सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। इसी बीच देर शाम हुए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि वह सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। इससे पहले महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राजद ने 4 तो जीतन राम मांझी की हम और विकासशील इंसान पार्टी ने भी 1-1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी ने राजद प्रमुख तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। अपनी कला के बलबूते फिरंगी देश विदेश में छा गए। अपनी कला से निर्जीव पत्थर में जान फूंकने वाले फिरंगी लाल का नाम देश और दुनिया के बड़े शिल्पकारों में लिया जाता है। देश ही नहीं, विदेश तक फिरंगी के शिल्पकारी की गूंज सुनाई देती है। फिरंगी कैमूर जिला के चांद प्रखंड के केसरी गांव का रहने वाला है। फिरंगी ने शिल्पकारी की दुनिया में जब पैर रखा था तब वो इतने अनुभवी नहीं थे, लेकिन आज उनके छेनी हथौड़े की गूंज हर शहर और विदेशों में भी सुनाई देती है। भभुआ संग्रहालय में स्थापित हाथी उनकी कला का अद्भुत नमूना है। 10 क्विंटल पत्थर को काटकर 4 क्विंटल के हाथी की प्रतिमा बनाई थी। शिल्प इतना सुंदर कि एक हाथी के पेट में दूसरा हाथी और उस दूसरे हाथी के पेट में तीसरा हाथी मौजूद है। अब प्रदेश में खोले जाएंगे 5 नए फार्मेसी कॉलेज। अब जल्द ही प्रदेश में 5 नए फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे। इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। अगमकुआ स्थित राजकीय फार्मेसी संस्थान में आयोजित विश्व फार्मासिस्ट दिवस कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के पश्चात उन्होंने कहा कि जल्द ही 966 फार्मासिस्ट की नियुक्तियां की जाएगी। इस संबंध में बिहार तकनीकी चयन आयोग को पत्र भेज दिया गया है। बिहार के मधुबनी जिले को जल्द मिलने जा रहा है GI टैग। मधुबनी ने पहले ही अपनी पेंटिंग को लेकर देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई हुई है। अब जल्द ही बिहार के मधुबनी जिले को मखाना का GI टैग मिलने वाला है। आपको बता दें, यह विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादों को मिलने वाला टैग है। आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग ने इसकी घोषणा की है। देश विदेश में जहां भी मखाना की बिक्री होती है, हर जगह उसे मधुबनी के नाम से जोड़ा जाता है। इसी कारण मधुबनी को यह टैग देने का फैसला लिया गया है। पटना कदमकुआ चूड़ी मार्केट के पंडाल में दिखेगी कंबोडिया के मंदिर की झलक। दुर्गा पूजा के दौरान जहां एक ओर श्रद्धालु भव्य पूजा अर्चना करते हैं, वहीं लोगों को पंडालों और मूर्तियों का भी इंतजार हर साल होता है। हर पंडाल अपने आप में बेहद खूबसूरत और आकर्षित होता है। ऐसा ही कुछ इस वर्ष कदमकुआ चूड़ी मार्केट के पंडाल में भी दिखेगा। इस बार दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को कंबोडिया के मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। पंडाल में भगवान शिव की प्रतिमा के साथ साथ भगवान बुद्ध की भी झलक लोगों को देखने मिलेगी। नौकरियों की तलाश में बैठे युवाओं के लिए बिहार सरकार ने निकाली बहाली। बिहार सरकार नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए नौकरियों के ढेर सारे अवसर लेकर आ रही है। बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग में 161 नए पद पर बहाली निकाली है। आने वाले 3-4 महीनों में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आपको बता दें, खान एवं भूतत्व विभाग के रीस्ट्रक्चर के बाद 179 पदों की बढ़ोतरी की गई है, जिनमें से 66 पद खान निरीक्षकों के लिए, 21 पद विकास पदाधिकारी के लिए और 23 उच्च वर्गीय लिपिक के लिए पद बहाल किए गए हैं। इस फैसले के बाद अब पदों की संख्या बढ़कर 351 हो गई है। बिहार के 4 शहरों में जल्द खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद को तेज करते हुए बिहार के बक्सर समेत 4 जगहों पर नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शुरू किया जाएगा। यह बातें अश्विनी चौबे ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में आयोजित 8वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। साथ ही साथ अश्विनी चौबे से एम्स में आयुष्मान योजना के लिए स्पेशल काउंटर खोलने का भी ऐलान किया। गांधी जयंती के दिन खुले रहेंगे प्रदेश के सभी स्कूल। अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूलों को खुला रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दिन छात्रों के साथ साथ सभी शिक्षकों की उपस्थिति भी अनिवार्य कर दी गई है। गांधी जयंती के अवसर पर स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक रहेंगे। इस शुभ उपलक्ष्य पर पहले बच्चों द्वारा प्रभात फेरी लगाई जाएगी, जिसमें जल जीवन हरियाली और बापू पर आधारित नारे लगाए जाएंगे। इसके बाद स्कूल में बापू की पाती व एक था मोहन पुस्तक का अध्ययन होगा। इसके अलावा बच्चे पेड़ लगाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने, पानी व बिजली बचाने व अपने आसपास सफाई रखने की भी शपथ लेंगे। सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा है कि राज्य में होने वाले उपचुनाव से पहले ही 5 दलों के कथित महागठबंधन को बांधने वाली गांठों की मजबूती का अंदाजा इसी से लग रहा है कि वे आपस में सीट बांटने में ही टूट गई। अगर महज 5 सीटों के बंटवारे में ये हाल है तो अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर फैसला कैसे कर पाएंगे। संसदीय चुनाव में जिस दल ने खाता तक नहीं खोला वो आज अपने आप को इतना मजबूत मान रही है, वहीं बिहार में कम से कम 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को कमतर आंक रही है। पप्पू यादव ने की रघुवंश सिंह से मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वैसे ही सियासी गलियों में हलचल का माहौल बना रहता है। ऐसे में पूर्व सांसद पप्पू यादव और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की मुलाकात से सियासी हलके में एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल बीती रात अचानक पप्पू यादव रघुवंश प्रसाद सिंह के घर पहुंचे, जिसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। इसी बीच पप्पू यादव ने रघुवंश यादव सिंह से आशीर्वाद भी लिया। मगध यूनिवर्सिटी की पटना स्थित कार्यालय को बंद करने का मिला निर्देश। साल 2002 में छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए मगध विश्वविद्यालय ने पटना में अपनी एक शाखा खोली थी, जिसके पश्चात अब उसी शाखा को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और साथ ही साथ सभी 18 कार्यरत कर्मियों को भी वापस बुला लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप मगध यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब छात्रों को अपने हर काम के लिए बोधगया की शाखा में जाना पड़ेगा। बिहार के सभी 5 सीटों पर कांग्रेस उतारेगा अपना उम्मीदवार। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस चुनाव समिति ने सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पिछले दिनों हुए पार्टी की बैठक में समिति ने यह निर्णय लिया है। कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने इसका ऐलान किया है। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने सभी 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया है। जल्द ही आलाकमान को यह लिस्ट सौंप दी जाएगी, जिसके पश्चात आलाकमान उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी फैसला लेगा। इस मुद्दे पर सभी से राय मशवरा ले लिया है। 24 अक्टूबर से चलेगी मुंबई बरौनी से स्पेशल पूजा ट्रेन। दिवाली छठ में घर आने वालों के लिए खुशखबरी। पूजा के समय ट्रेनों में बढ़ते भीड़ के मद्देनजर रेलवे विभाग ने 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल और बरौनी के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूजा स्पेशल गाड़ी संख्या 01133 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बरौनी के लिए सप्ताह में सिर्फ एक दिन यानी कि प्रत्येक गुरुवार को सुबह 5:10 पर खुलेगी। अगले दिन सुबह 9:35 पर पाटलिपुत्र पहुंचकर लगभग 3 बरौनी पहुंच जाएगी। देश के 400 जिलों में लगेगा ग्राहक मेला शिविर। त्योहार के मौसम में बैंकों से लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। लोन लेने वालों के लिए बैंक देश के 400 जिलों में ग्राहक मेला शिविर का आयोजन करने जा रहा है। ग्राहक मेला शिविर में लोगों को खुदरा, कृषि वाहन, घर, लघु एवं कुटीर उद्योग, शिक्षा, व्यक्तिगत उपभोक्ता, ऋण संबंधी जानकारी एवं ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 3-7 अक्टूबर के बीच 250 जिलों में इस शिविर का आयोजन होगा। वहीं दूसरे चरण में 19-21 अक्टूबर तक 150 जिलों में यह शिविर लगाया जाएगा। साल 2020 के लिए सरकार ने जारी की छुट्टियों की सूची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों और सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के लिए 2020 में मिलने वाली छुट्टियों की सूची निकाल दी है।
इसमें एनआईए एक्ट के तहत 22 छुट्टी तय की गई है। प्रशासन के आज्ञा अनुसार कार्यपालक आदेश के तहत अगले साल 15 छुट्टियां तय की गई हैं। इसमें एक छुट्टी रविवार को पड़ रही है। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। भागलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से गंगा का स्तर ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी गंगा नदी अपने उच्चतम स्तर 34.72 मीटर से 53 सेंटीमीटर नीचे ही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में गंगा के जलस्तर में और ज्यादा वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। बिहार शिक्षक नियोजन में देना होगा स्नातक के तीनों साल का अंक पत्र। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में उम्मीदवारों को अब अपने स्नातक के तीनों वर्षों के मार्कशीट सबमिट कराने होंगे। पटना जिला नियोजन कार्यालय ने इस बाबत नोटिस जारी कर कहा है कि तीनों साल के अलग अलग अंक पत्र से मेरिट सूची तैयार करने में हमें सुविधा मिलेगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पटना जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए रोस्टर जारी करने के अंतिम चरण में है। इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा की 2 सीटों की तारीख की घोषणा की। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होंगे। यह दोनों सीटें पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के गुजर जाने के बाद खाली पड़े हैं। डीआईजी विकास वैभव को एसकेडी मेमोरियल अवार्ड के लिए किया गया चयनित। आईआईटी कानपुर द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित एल्यूमिनस अवार्ड 2019 के तहत सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल पुरस्कार के लिए बिहार कैडर के आईपीएस विकास वैभव का चयन हुआ है। विकास वैभव को 2 नवंबर को आईआईटी परिसर में सत्येंद्र कुमार दुबे अवार्ड से नवाजा जाएगा। विकास वैभव को उनके अल्मा मेटर को लेकर चयनित किया गया है। वैभव को उनकी सर्वोच्च व्यावसायिक अखंडता को लेकर इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पितृमुक्ति के लिए रूसी महिलाओं ने किया पिंडदान। गया में चल रहे पितृपक्ष मेले के दौरान पूरे विश्व में हिंदू धर्म के लोग पिंडदान करने आते हैं। यहां आकर वे अपने पितरों की मुक्ति की कामना से पिंडदान के कर्मकांडों को पूरा करते हैं। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाला माहौल तब बना जब गया के पितृपक्ष मेले में रूस की 6 महिला पिंडदानी के लिए गया पहुंची। इससे पहले इन सभी पिंडदानियों ने वाराणसी में पिंडदान के कर्मकांडों को पूरा किया था। एमएस धोनी रखेंगे अब बॉलीवुड में कदम। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों क्रिकेट की दुनिया से थोड़े दूर चल रहे हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी आर्मी की ट्रेनिंग लेकर वापस लौटे हैं। अब इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी के बॉलीवुड में एंट्री की खबर सामने आने लगी है। पहले रिपोर्ट्स में आए थे कि धोनी बतौर प्रोड्यूसर फिल्म बनाने जा रहे हैं, मगर हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार माही एक अपकमिंग फिल्म में बतौर एक्टर नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड की वेबसाइट के अनुसार माही संजय दत्त के साथ फिल्म डॉग हाउस में नजर आ सकते हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले रघुवंश प्रसाद। बिहार विधानसभा की 5 सीटों और लोकसभा की 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव के पहले ही सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन दल के भीतर खींचतान शुरू हो चुकी है। जहां एक ओर राजद और बाकी पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध नजर आ रही हैं, वहीं राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा है कि अलग अलग दुकानें चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को दिमाग से काम लेना चाहिए और राजद के साथ विलय कर लेना चाहिए। विलय से सीटों को लेकर चल रही उलझन सुलझ जाएगी। साथ ही साथ रघुवंश प्रसाद ने यह भी साफ किया कि अगर खींचतान यूं ही बरकरार रहा तो आने वाले समय में इन सब का राजनीति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की बाकी सारी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।